जिले रामबन में कौमी लोक अदालत का एहतमाम किया गया, जिसमें कई केसों का निपटार किया गया। जिले कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जेर कयादत प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एडिशन जज हक नवाज जरगर, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी रामबन, एडिशनल सेशन जज सरेंदर सिंह, दूसरा पंच पूजा गुप्ता, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी रामबन, मुंसिफ रामबन आसिर चौधरी, अंग्रेज सिंह असिस्टेंट लेबर कमिश्नर रामबन थे। बानिहाल गोल उकड़ीहाल और बटूता के मजिस्ट्रेट की इश्तराक से कौमी लोक अदालत मुनक़द की गई। कौमी लोक अदालत मुनक़द करने में 12 एसोसिएशन रामबन के मेम्बरान की मुनावत की। 12 एसोसिएशन के दीगर तमाम मेम्बरान ने भी लोक अदालत में शिरकत की। कौमी लोक अदालत में 1645 मामलात में से 1398 केसेस का निपटार किया गया। देखिए रूबी जान के साथ मोहम्मद अनीस शेख की रिपोर्ट। ऑन द डायरेक्शन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और हमारे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज पैटर्न इन चीफ की गाइडेंस और हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जस्टिस अली मोहम्मद मागरे और हमारे रामबन के चेयरमैन साहब डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी श्री हक नवाज जरदार की डायरेक्शन पर हमने आज के दिन जो कि 11 सितंबर 2021 को नेशनल लोक अदालत जो है आयोजित की। लेकिन ये जो लोक अदालत है ये हमने इस ये प्रोसेस एक दिन का नहीं, हमने इसके लिए काफ़ी प्री लोक अदालत सेशंस भी ऑर्गेनाइज करवाए और इन हमें प्री लोक अदालत सेशंस का काफ़ी फ़ायदा हुआ क्योंकि COVID-19 के ऐसे केस को भी ध्यान में रखते हुए हमने इन प्री लोक अदालत सेशंस को रखा था और टोटल हमने लगभग जो हमें टेंटेटिव डाटा दिया था वो 535 की लिस्ट दी थी कि शायद इतने तक हमारे डिस्पोज होंगे, बट अल्टीमेटली वी हैव बेनिफिटेड अ लॉट। हमारे टोटल 1500 के करीब पूरे डिस्ट्रिक्ट रामबन में और केसेस डिस्पोज ऑफ हुए हैं और इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैटर्स हैं, जैसे मैट्रिमोनियल हो गए, सिविल डिस्प्यूट्स हो गए, क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल और मोटर व्हीकल एक्ट्स। कुछ ऐसे मोटर व्हीकल एक्ट्स के कुछ ऐसे मैटर्स थे जो काफ़ी पुराने थे हमारे और एज़ पर द डायरेक्शन ऑफ अवर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन तो हमें डायरेक्शन थी कि वो सब डिस्पोज करने हैं जो टाइम बार्ड हो चुके हैं, तो उसमें हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उसमें काफ़ी डिस्पोजल हुआ है हमारा। आगे भी मंथ ऑफ दिसंबर फिर से नेशनल लोक अदालत जो है ऑर्गेनाइज होगी, तो आफ्टर दिस लोक अदालत वी स्टार्ट प्लानिंग फॉर दैट ऑल्सो। तो ये है कि जितना लोग पार्टिसिपेट करें, जितनी ये इसका जो नतीजा है बेसिकली वो पार्टिसिपेशन पे ही ज़्यादा डिपेंड करता है, जितना लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतने हम भी काबिल होंगे कि हम केसेस डिस्पोज ऑफ करें। इसलिए आवाम रामबन की आवाम से ये हम ये अपील करते हैं कि वो जब भी कोई नेशनल अदालत होती है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें ताकि हम उनकी जो ग्रीवियंसेस हैं हम उसका